एपिसोड के शुरुआत में कैसे आ गया? बस चैनल ने बोला आज हैंडसम बंदा चाहिए, इसलिए मैं आ गया जी। चैनल की बात क्यों नहीं मानी फिर तूने? अर्चना जी मेरी बात सुनो, आज हमने एक डील करते हैं। क्या? मैं आपको कोई सिद्धू जी वाली बात नहीं बोलूंगा, आप मुझे कोई हैंडसम हूँ या नहीं हूँ ये बात नहीं बोलनी। एक्चुअली कपिल मेरे पास आया था, वो मुझे कहने लगा यार मैं आज थोड़ा बिजी हूँ तो मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। मैंने कहा क्या? कह रहा यार शो ओपन कर दो। मैं कहा यार नो प्रॉब्लम, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर देते हैं। पर एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये शूटिंग वाले मेरे को सीरियस नहीं ले रहे। अच्छा? हाँ, मैंने उनको बोला आज हमने शो ओपन करना है, मेरे को बढ़िया सूट बूट देना। अच्छा, ये देख लो मेरे को सूट बूट दिया। कोई बात नहीं, जेबें कौन सी नजर आ रही हैं, जेबें तो अंदर ही है ना। हाँ। मैं कहा यार एक चक्कर ये है कि पैंट मेरी थोड़ी ढीली है। हाँ। तो बेल्ट दे दो। तो कहते बेल्ट का बजट नहीं, आप ना नाड़ा बांध लो ये। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दिल मैंने बड़ा किया। फिर? मैंने कहा जूते लाओ, जूते दे दिए मेरे को, जूते मेरे पाँव से बड़े, मेरा पाँव अंदर नाच रहा है। मैंने कहा जूते बड़े हैं, कहते पीछे आप रुई रख लो। मैंने कहा मैं आर्टिस्ट जूते के पीछे रुई रखूंगा? कहते आगे रख लो, ये देख लो। वाह चंदू वाह। मैंने अर्चना जी फिर दिल बड़ा किया, अब आप देख लो 100 ग्राम रुई मेरे जूते के पीछे, 150 ग्राम रुई मेरे जूते के आगे है। ओहो, मुझे लग नहीं रहा मैंने जूते पहने, ऐसे लग रहा मैंने तकिए पहने हुए हैं। अभी गेस्ट को बुलाने का टाइम हो गया और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं, बहुत खूबसूरत हैं वो। तो उनकी खूबसूरती के लिए मैंने एक बहुत ही उमदा शायरी लिखी है। क्या मिसाल दूं उनकी खूबसूरती की, खूबसूरती जैसे मौसम बहारा। वाह वाह। जिनका चेहरा बहुत प्यारा। वाह वाह। यारा ओ यारा। हाँ। ब्रांड ब्रांड लारा, प्लीज वेलकम सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड अडवाणी क्यारा। की होया चंदू? कोई बात नहीं, आ जाती है फिर, क्या हुआ? सेट नया बना है, रास्ता भूल गई होंगी, बार बार करके मौसम चल रहा है, दोबारा बुला लेते हैं। मैं नहीं ऐसे ले, दिल भी नहीं लेता, नो प्रॉब्लम। हाँ। हम दोबारा बोलते हैं। सो पेश है, जिनके आने से माहौल बनेगा बहुत सारा। अच्छा। 11 के बाहर आता है 12। वाह। जो पहली बार बुलाने पर नहीं आई, बुलाते हैं उसको दोबारा। प्लीज वेलकम सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड अडवाणी 11। एक मिनट, तुम ओए किसको बुला रहा था तू? गरीबों के इमरान हाशमी, तेरे बुलाने में कभी तेरी बीवी नहीं आती है, क्या अडवाणी आएगी? ये क्या अपने पिताजी का कोट पैंट पहन के आ गया यहाँ पे तू? तो और मैं पिताजी का पेटी कोट पहन के आ रहा इधर आ जाऊँ? कोट ही पहन कर आऊंगा, कोट ही है उनके पास। पिताजी पेटी कोट भी पहनते हैं यार, मेरी बात बुलाओ उनको कभी शो पे यार प्लीज, मेरे को जरा मेरे को कपिल शर्मा जरा डिस्टर्ब ना करो, मेरे को शो ओपन करने दो यार। वो तेरे से दुकान नहीं ओपन होती, शटर तेरे से खुलता नहीं, तू शो ओपन करेगा इतना बड़ा, पता तेरे को कैसे करते हैं? तो इसमें पते होने वाली कौन सी बात है? हेलो एंड वेलकम बोलना था, इधर कौन से शेक्सपियर के दोहे पढ़ने होते हैं? शेक्सपियर के दोहे? शेक्सपियर के दोहे होते हैं और शेक्सपियर के पोहे होते हैं। पढ़ा लिखा होता ना तो ऐसी बातें नहीं करता ये। सच सच बता तेरे अंदर हिम्मत कहाँ से आई बे? इसमें हिम्मत वाली कौन सी बात है? ये कौन सा बंदूक लेकर बैठी हुई है? चल भाई शो शुरू कर, हद हो गई यार, वोट तेरे सूख रहे हैं और ओपनिंग करेगा तू? तो मैं कौन सा इमरान हाशमी जो बीके ओंट लेकर घूमूंगा? वाह अर्चना जी, बिल्कुल। आई एम एन आर्टिस्ट और मैंने पंजाब में बड़े बड़े नाटकों की ओपनिंग की है। ये तो है, नाटक तो बहुत करता है। आ, चैनल का फोन आया था, कहते बड़े नाटक हो गए, इसका कुछ करना पड़ेगा। तो मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं नाटक करूंगा और मैं कर्नाटक करूंगा। यार तू कभी कोई काम की बात नहीं कर सकता? इधर मैं आपको अलेक्जेंड्रा की जीवनी सुना दूं फिर काम की बात? तू जीवनी छोड़, तू अलेक्जेंड्रा की स्पेलिंग सुना। एक तो मेरे को ना इस बंदे की यही बात समझ में नहीं आती, करोड़ों रुपए कमा रहा है फिर भी जब स्पेलिंग पूछना था मेरी तरह मुंह कर लेता, चल भी स्पेलिंग सुना, स्पेलिंग स्पेलिंग सुना, हद हो गई है। तू तो सीरियस हो गया है, शो में तो ये सब चलता ही है? नहीं कोई नहीं ये चलता, मैं बताता हूँ अर्चना जी क्या चलता है शो में। क्या? सारे आर्टिस्ट स्क्रिप्ट रीड कर रहे होते हैं, इधर मैं स्पेलिंग याद कर रहा होता हूँ। और
सबसे बड़ी बात यह है कि स्क्रिप्ट मेरे को हिंदी में दी जाती है, स्पेलिंग इंग्लिश में पूछे जाते हैं मुझसे। मुझे फील नहीं होता कि मैं आर्टिस्ट हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि कोई बच्चा नलायक सा ट्यूशन पढ़ने आया और नई स्पेलिंग आएंगे तो मेरे को उधर कान पकड़ने के लिए बोल देंगे। प्लीज बता कितना हर्ट होती है ये चीजें। कभी हर्ट क्या होता है बता? देखा तू यार मेरा दोस्त है चंदू। बिल्कुल नहीं, तू गुस्सा ना किया कर, तू दफा हो जाकर बस। मेरी बात सुनो यार, दोस्ती वोस्ती की बात ना करो, काम के टाइम के कोई दोस्त वोस्त नहीं। अच्छा हाँ, अभी क्यारा आने वाली है, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। ये होस्ट करेगा, ये नाम तेरे से लिया नहीं जा रहा क्यारा का, तुम लेकर बताओ फिर। अच्छा हाँ बोलो। ये पकड़ अपना पेन, अभी भी तू एक रुपए वाला पेन यूज करता है। तो साथियों एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ब्यूटीफुल कियारा अडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा का। देख रहे हो बाजी, शेरशाह को लोगों ने कितना प्यार दिया, कितनी तालियां बजा रहे हो। अरे अरे शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद, विराजमान हो जाइए। सिद्धार्थ भाई क्यारा, आप दोनों को शेरशाह की सुपर डुपर हिट होने पे बहुत बहुत बधाई। अरे थैंक यू कपिल, थैंक यू। आइए क्यारा प्लीज विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां सिद्धार्थ और क्यारा के लिए। कपिल बहुत बढ़िया। चंदू, before you guys start, I want to do this to you guys. I saw the film. Are, so sweet. Thank you, man. You were fantastic. Both of you, amazing. So sweet. Thank you. Thank you, man. So sweet. Thank you. और फिल्म तो no doubt बड़ी कमाल की, लेकिन ये खड़ी सिर्फ अपनी ड्रेस दिखाने के लिए हुई है। मेरी जूती। मैंने आज ध्यान रखना, पंजाब से बड़े लोग आए हैं, सिद्धू जी ने भेजे हैं सर। कुर्सी नहीं छोड़ना। तू गया नहीं अभी? यार मैंने कहा मैं कैसा तो... पान मसाले वाला तूने कोट पेंट पहना है। क्या है? प्लीज डोंट डिस्टर्ब यार, मैं अभी स्टार्स के साथ बातें कर रहा हूँ। भाई देख लो, उसका बचपन का यार है, पता नहीं होता ना बचपन में कैसे लोगों से यारी करनी है, हो जाती है। अब सुन लो इसकी दो। हाँ आप कज लें। नो थैंक यू। तुमने खाए कभी? ले लो, इसी माने मैं भी ले लूंगा। आप ले लो। मैं ले लू पक्का? एक्चुअली काजू खाने आया तुम यार। मेरी बात सुनो, चक्कर पता क्या है जी, काजू मैं हमारे सिलेबस में नहीं है। आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि हमारे जो गेस्ट आते हैं वो भी समोसे खाने वाले आते हैं। अच्छा। हाँ, काजू वाजू उन्होंने भी कभी नहीं देखे। और जब उनके घर में काजू आ जाते हैं वो फिर हमारे घर नहीं आते। तो इसलिए फिर हम कभी कभी खा लेते हैं। तो तूने काजू कतली भी कभी नहीं खाई? वो हमारे उधर तो काजू कतली आती ना, हमारे तो मूंगफली कतली आती है। ओए तू डिसाइड कर ले, तुझे बात किस पे करनी है, एक तरफ काजू है दूसरी तरफ कैरा है। मैं ये काजू खा के डिसाइड कर लूं। पता क्यों, तूने कभी खाए नहीं, मुझे ये डर है तू खाए तेरे को रिएक्शन ना हो जाए। यार एक तो तुम ना कॉन्शियस बहुत करते हो। सिद्धार्थ भाई आप जूस वूस लेंगे? नहीं लेंगे वो। नहीं भाई। वालो यार मैं उन्हीं के बहाने पी लूंगा। अच्छा हर बात के इंटरव्यू लेने आया कि तू खाने पीने आया? अच्छा मेरी बात सुनो, पिछले एपिसोड में अक्षय कुमार आधा दर्जन केले खा गए हैं, उनको तो आपने कुछ कहा नहीं है। अक्षय कुमार रेटिंग भी देते हैं। तो मैं दुआएं दूंगा आपको। तू तो यही सब करने आया, कोई ढंग की बात नहीं आती तेरे? ढंग की बात तुम करने दो तो मैं करूं। खैर आप बड़े स्टार्स हैं, आपके लिए इधर मेरी छोटी सी दुकान है, तो मैंने आपके लिए बड़े खुशबूमती राइस रखे हुए हैं। भाई खुशबूमती नहीं, बासमती होता है। बड़े बड़े स्टार्स हैं वो बास वाले चावल क्यों खाएंगे यार? क्या हुआ? बास वाले। जा यार मुझे तो इंटरव्यू करने दे, जा निकल अपने। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इंटरव्यू आज मैंने करनी है। और खबरदार अपनी दुकान का सामान बेचा तूने। तो मेरे को कॉन्शियस नहीं करना पीछे से हो हो करते रहते थे। इधर मैं सवाल पूछने लगा, पूछ। अच्छा मैं एक शर्त पे क्या इनको अलाउ करूंगा, अगर ये बता दे कि इसको क्या बोलते हैं, ये जो लगा के आया। किसको? चलो उधर मेहमान आए, सवाल पूछो। खैर सो वेल, टांग ना रख, फंस जाएगी, खुलेंगी नहीं बाद में। खोल सीधा बैठ। आपकी पिक्चर देखी शेरशाह? कमाल। तूने अकेले ने देखी, सारी दुनिया ने देखी है। यार मेरी बात सुनो, सवाल की कोई भूमिका होती है, वो शुरू हो धीरे 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 करके लास्ट में आते हैं, तो मैं लास्ट वाली लाइन पहले बोल दूं तो कैसा लगा फिर आपको? ऐसे बोल दूं? चल पूछ, अभी नहीं डिस्टर्ब करता। डोंट डिस्टर्ब।
जी तो जब तक चाय बोल के आओ किसी को ओहो वेल बोलूं किसको तू तो यहाँ बैठा है चल अभी नहीं कुछ कहता चल ठीक है यार तुम देखो नहीं नहीं बैठ बैठ अच्छा बैठ 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 दोस्त 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 पे भारी पड़ रहा है देखो वाकई अब वो भूल गया कैसे बैठे इतना कॉन्शियस कर दिया उसको बैठ भी नहीं पा रहा वो अरे यार चंदू तू अंडरवेयर पहन के आता ना ये प्रॉब्लम नहीं होती बार बार जो एडजस्ट हो रहा है अच्छा इसको कैसे पता है मैंने अंडरवेयर पहना या नहीं पहना मुझे क्योंकि कोट पैंट तो तूने किसी से मांगा है बाकी किसी मैंने सुना नहीं कुछ तूने मांगा है अरे पूछो अपनी बहन से पूछो चलो और पूछो आ जाओ कब से कह रही है मुझे मिलना है शो पे आना है कपिल अभी को नए भैया मिल गए इनको आज आपके दो दो भाई खैर सिद्धार्थ सर कह रहा मैम आपकी पिक्चर मैंने देखी शेरशाह उसमें कमाल का काम किया आपने एक्शन सीक्वेंसेस भी थे तो मतलब उसमें जब आप पहाड़ी से गिरते विरते हैं तो उसमें जब आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं तो साबुन आप मेरी दुकान से लें तो फिर अपना सामान बेचने लग गया चंदू यार तू उनकी फिल्म चल रही है इसका शो चल रहा है आपकी हंसी चल रही है तो गरीब की दुकान ना चले है ना चल बैठ कर आ जा वेल कियारा जी मैंने आपकी काफी फिल्में देखी हैं तो आप बहुत बिजी रहती हैं ना जैसे पूरा साल जैसे आप शूटिंग करती हैं तुम्हारा जरूरी था ना करो यार सीरियसली अच्छा चलो तो आप शूटिंग वूटिंग काफी करती हैं इस क्वेश्चन ही इसका मांगने वाला है आप शूटिंग ऐसे नहीं करते सामने कोई एक सिक्का रख देगी अच्छा रहेगा फिर तो आप शूटिंग करती हैं तो सारा मतलब पूरा ईयर आप बिजी रहती हैं तो बीच में हर तरह का सीजन आता है ना जैसे रेनी सीजन भी आता है तो कभी भी पकौड़े खाने का आपका मन हो रेनी सीजन में तो बेसन मेरी दुकान से चलो 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 इधर चल अपनी दुकान में दिमाग खराब कर रख दिया इस बंदे ने लास्ट पूछने दो फिर मेरे को चल ठीक है दुकान की बात नहीं करनी फटाफट पूछ चल खड़े पूछ चल क्या राजी मैंने पिक्चर देखी आपकी कबीर सिंह कमाल पिक्चर तो कबीर सिंह जी से आपकी बात बात होती रहेगी आजकल ना तो ड्रिंक बहुत करते थे उसमें वो चकना कहाँ से खाते क्योंकि मैंने इसे रखा हुआ ओए एक गद्दियाँ दे दे गद्दियाँ दे दे मैं कुछ नहीं कहता दफा हो जा पता है मैं बताता हूँ ये ना बड़ा एक्टर देखकर ना थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है इसलिए मैं जा रहा हूँ तो प्लीज आप थोड़ी सी बात कर ले तो मैं राशन भिजवा देता हूँ आपको ठीक है जी ओके बाय बाय सॉरी क्यारा सिद्धार्थ ये है अभी क्या है अभी बचपन के यार दोस्त हैं क्या इनको निकाल भी नहीं सकते हमें टेंशन ये नहीं हमें ये है कि हमने निकाल दिया इनको रखेगा कौन पर जोक सपाट आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद थैंक यू आप हमेशा अपनी फिल्म रिलीज होने से पहले आते हैं जी है ना इस बार सुपर हिट होने के बाद में आए आप तो कैसा लग रहा है आपको ऐसे मिर्क से दोबारा मिलके मैं कहूंगा मेरे घर वालों को मैं कब से बोल रहा था कि ये तारीफ कर रहे हैं ये प्रमोशन कर रहे हैं अच्छा बेटा वो सब ठीक है तुम कपिल के शो पे कब जा रहे हो ओह माय गॉड मतलब मेरे घर वाले आई एम श्योर आपके भी घर वाले सब यही पूछ रहे हैं कि यार इस शो पे कैसे नहीं आए जैसे ही पता चला कि ये शुरू हो गया शो वापस बहुत ही एक्साइटेड सब लोग स्वीट थैंक यू सो मच आना ही पड़ा आपके और आप सबके प्यार के लिए तो थैंक यू सो मच अच्छा लास्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ ब्रेक पे गया शो उसके बाद शो जब वापस रिज्यूम किया हमने तो क्यारा अक्षय पाजी के साथ आई थी इस बार नया सीजन ओपन हुआ तो आप सिद्धार्थ के साथ आई हैं देखो आपको कभी ऐसा मिलने का मन हो जरूरी नहीं किसी को साथ लाना है आप अकेले भी आ जा करो भैया का ही घर है भैया तो चले गए दो दो बच्चे के बाद भी कपिल बच्चे तो छोटे छोटे उनको क्या पता चलता है आप इतने अच्छे एक्टर हैं आपने दो दो फिल्में कर ली हमसे जो हुआ था हमने भी कर लिया लॉकडाउन में या तो फिल्में करनी थी या बच्चे अच्छा सिद्धार्थ दिल्ली से हैं पंजाबी फैमिली से आई थिंक आप जी आई एम श्योर आपको तो ज्यादा प्रॉब्लम आई नहीं होगी लेकिन हाँ. क्यारा आपने जो पंजाबी बोली उस फिल्म में क्या बात है बिल्कुल आपने कभी बताया ही नहीं पंजाबी के साथ आप इतनी कंफर्टेबल हैं
You never discuss. I have to come alone now and meet you and discuss. When these boys are there, then only they are speaking in Punjabi. I don't get a chance. Oh wow, ये सब बातें हिंदी में बता सकते हैं हमें तो? हाँ, उनको ये समझ नहीं आ रहा बोलने वाला था। जब हम लड़कियाँ आती हैं इनके शो पर और जब अंग्रेजी में बातें करती हैं कपिल इनका जो चेहरा, it's very interesting. देखो इनको पंजाबी पसंद है, आपको अंग्रेजी पसंद है। हाँ। Perfect. तो कितने भाई बहन प्यार से स्कूल में पढ़ेंगे? सिद्धार्थ आप थोड़ी देर बादाम खा लो प्लीज। नहीं। गरीब आदमी के साथ हर जगह गलत होता है। गरीब तो कहीं से नहीं है। ये तो चैनल के कपड़े हैं, ये तो एपिसोड खत्म होते हैं वहां तक नहीं जाने देते, तो उतरवा लेते हैं वो तो खैर ऐसे ही है। पर आपको इतना लोगों ने पसंद किया और आपको पता है पंजाब वालों को तो यही लग रहा है कि आप पंजाबी हैं, तो सारा पंजाब आया हुआ आज देखो आप कितने सारे पंजाबी आए। हाँ अच्छा सिद्धार्थ, ये जो शेरशाह की शूटिंग हुई, मैंने सुना रियल लोकेशंस पे आपने शूट किया जी, लद्दाख कारगिल जी, तो कितना मुश्किल था आपके लिए शूटिंग करना? हम लोग थे तकरीबन 12,000 फीट या 14,000 फीट अबव सी लेवल। वाओ। और वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, वहाँ की हवा काफी तेज होती है, तो हमने तकरीबन 45 डेज वहाँ पे शूट किया। okay. क्योंकि ये काफी करीब था जहाँ पे हमारे एक्चुअल सैनिक जो लड़ रहे थे। बट ये मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे सैनिक जो कम से कम 16,000 फीट पे थे, हमसे काफी ऊंचे, हमारे पास फिर भी एक रीटेक का ऑप्शन हमेशा होता था, पर हमारे सारे वीर जवान जो 527 जवान जो हमारे शहीद हुए, उनके पास कोई भी रीटेक का ऑप्शन नहीं था। उससे भी ज़्यादा मुश्किल कंडीशंस में हम सब के लिए वो लोग लड़े थे 99 में, तो फिर हमारी मुश्किलें थोड़ी कम लगती है। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू द इंडियन आर्मी फर्स्ट एक्चुअली। हमारे काफ़ी जो आप पिक्चर में जवान देख रहे हैं वो एक्चुअल इंडियन आर्मी के जवान हैं। अच्छा। वो जो मेरा सबसे प्यारा किस्सा वही है कि दूसरा दिन था मेरा वहाँ पे कारगिल में, और वहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कोई पेड़ या घास नहीं होते थे, तो शॉट के बीच में बैठे हुए हम लोग अपना पूरा गेयर वेयर गन लेके, तो मिट्टी विट्टी थी, तो उठा जब मैं तो कॉन्टीन्यूटी कॉस्ट्यूम कॉन्टीन्यूटी के लिए कपड़े झाड़ने शुरू कर दिए मैंने, तो वो देख रहा है मुझसे यंग जवान कब से कि ताड़ते ताड़ते बोलता है कि अरे क्या हो गया साहब, अपनी तो मिट्टी है। वाह वाह। तो मतलब मैं ऐसा मुस्कुराया, ये हमारे लिए शायद डायलॉग हो बट वो हमारी इंडियन आर्मी या सारे फोर्सेस ये जिंदगी जीते हैं एक्चुअली, मतलब वो लोग उनके लिए कोई डायलॉग नहीं है। सो उस दिन से मतलब जब से हमारे साथ शूट कर रहे थे दे वर अ बिग इंस्पिरेशन यार कि आप लोग करते कैसे हो, हम लोग तो फिर भी रीटेक कर रहे हैं। हम लोग प्लान कर रहे हैं, आपको असल में जब दुश्मन ऊपर बैठा होता है और ऑड्स आपके अगेंस्ट होते हैं, हैट्स ऑफ टू आवर इंडियन आर्मी एंड आर्म्ड फोर्सेस टू डू दैट ऑल द टाइम। आर्मी में बहुत डिसिप्लिन भी होता है, और एक और बात है जब ऐसे जैसे टाइगर हिल या लद्दाख या ऊपर कारगिल में जाके जब वो वहाँ पे ड्यूटी करते हैं, तो फिर चाहे कोई पंजाब से हो, गुजरात से हो, चाहे साउथ से हो, पटियाला सबको याद आता है, ठंड बड़ी होती ना पटियाला। शूटिंग पे फिर हुए थे इंटरनली गर्म आपके मैं वैसे तो पंजाबी फैमिली से हूँ, पर एक चीज जो मेरे घर वाले बुरा मानते हैं कि मैं पीता नहीं हूँ। अच्छा। हमारे लिए इनके ख्याली काफी थे वहाँ पे गर्मी के महसूस करने के लिए। वाह जी, वहाँ से उनकी लव स्टोरी ऐसी है विक्रम जी और डिंपल जी की। I almost missed that. क्या रहा, सोच में पड़ गई कि ये मैं फिल्म करैक्टर की बात कर रहा हूँ कि रियल की बात कर रहा हूँ। अच्छा क्या रहा, आपने जो डिंपल जी का किरदार प्ले किया कैप्टन विक्रम बत्रा की जो फियांसी थी, आपने उनसे मिलके कुछ उनके बारे में जाना कि वो कैसे बात करती हैं, कैसे यू नो? जी मैं उनसे मिली फिल्म शूट करने से पहले, लेकिन इसलिए नहीं मिली कि आई वांटेड टू सी कि वो कैसे बात करती है या उनका जो चाल वगैरह है वो कैसा, आई वांटेड टू जस्ट कनेक्ट विथ हर इमोशनली, उसकी भावनाओं को समझना चाह रही थी, और उनके साथ बैठ कर जस्ट टू हियर हाउ हैप्पीली शी स्पोक ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा, कि उनकी आंखों में मैंने दुख नहीं, मैंने इतनी खुशी देखी, इतना मतलब प्राइड देखा उनके लिए कि ही वॉज माई मैन एंड दिस इज वॉट ही डिड। और आज तक आई थिंक मेरे लिए आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर हर, क्योंकि एक्चुअली शी इज वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल आई हैव मेट जो बहुत प्राइवेट है, इवन दो शी शेयर्ड दिस स्टोरी हम सबके साथ, उन्होंने अपनी इतनी पर्सनल कहानी शेयर किया है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि
It's her love for Captain Vikram Batra. ये उनका बढ़प्पन है. वो कुछ नहीं चाहती है. She doesn't want the glory. She wants him to have the glory. और ये प्यार मैंने आज तक नहीं देखा. So I feel हम बस वो सेम चीज इस फिल्म के थ्रू दिखाना चाह रहे थे. और बिल्कुल आप कामयाब भी हुए वो केमिस्ट्री दिखाने में. वाकई अगर ये शेरशाह फिल्म नहीं आती तो शायद हमें ये नहीं पता चलता कि कैप्टन विक्रम बत्रा की जब शहादत हुई उसके बाद डिंपल जी ने कभी शादी नहीं की. बिल्कुल बिल्कुल उनकी याद में जो पल साथ में गुजारे होंगे शायद उन्हीं खूबसूरत यादों के साथ ही वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं. और जैसे कहते हैं कि शो मस्ट गो ऑन. और आज आपके मुंह से इतनी सारी बातें सुनी बट आपको भी बहुत सैल्यूट है डिंपल जी. बड़ा मुश्किल होता है. कियारा ने हाल ही में कहीं कहा कि जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं नीरज चोपड़ा वो बोलती है सिर्फ देश का ही क्रश नहीं है वर्ल्ड का क्रश है. Absolutely. मेरे को ऐसे जानना था कि जैसे आपका क्रश बनने के लिए मतलब ऐसे भाला फेंकना जरूरी है कि कोई ऐसे कोई नजरों से तीर चलाने वाला भी ऐसे मतलब कैसे. Can you show me a demo, please? आपने एक बात नोटिस की MS धोनी फिल्म में कियारा का जो बॉयफ्रेंड होते हैं वो क्रिकेटर है. कबीर सिंह में डॉक्टर है. ठीक है. गुड न्यूज में बिजनेसमैन है. और अब एक आर्मी ऑफिसर है. अरे वाह. तो मैं ये जानना चाहता था कि आपने एक तो कंफ्यूज बड़ा करके रखा है. आपको सरकारी नौकरी वाला चाहिए मतलब रियल लाइफ में भी आप देखेंगे लड़का क्या करता है. एक्टर हो तो अच्छा होगा सब एक में. चल तेरा तो पट्टा कट फिर. नहीं मैं एक्टर नहीं मैं रिक्शा चला रहा हूँ इधर. मेरी भी एक फिल्म आई है. वो अच्छे एक्टर. आपकी फिल्म में आप क्या बने थे. मैं फिलहाल तो मुझे लगता है मैं पागल ही बना. पागल दो बीवियों का पति बना था ये. दो ये अभी इसमें भी जेलसी मेरी दो कम कर दी. मेरी चार थी उसमें. चार. ओ सॉरी. अभी भी इसका यही चक्कर है. चार के चक्कर में गिननी सुन रही है तू. तुड़वा दो तुड़वा दो. उनको तो उठा ही दिया. हमारा भी घर तुड़वा दो. आओ सिद्धार्थ कियारा आप दोनों सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं और बड़ी खूबसूरत पिक्चर्स भी आप लोग हमेशा पोस्ट करते रहते हैं. लेकिन क्या है एक्टर लोग हैं इनके पास टाइम नहीं होता चेक करने का कि लोग क्या क्या लिख रहे हैं. और लोगों के कभी कभी कमेंट्स बड़े खूबसूरत प्यारे क्रिएटिव होते हैं. तो मैं आज आपके सामने वो कुछ पढ़ना चाहता हूँ. जी अच्छा पोस्ट का पोस्टमार्टम. अरे सिद्धार्थ ने कहा आई नो ए सुंदर सुशील मैन इज टोटली योर टाइप. किसी ने लिखा है माँ मेरी नौकरी लग गई है अब तुम्हारे घटिया का इलाज करवा दूंगा. घटिया. अच्छा घटिया घटिया घटिया. एक और है आगे जो पेट्रोल पंप है मैं उसका क्रेडिट कार्ड बनाता हूँ. एक किसी ने लिखा तुम्हारे जैसा एक आदमी फिल्मों में भी आता है. और भी है. पीछे जो बंगला देख रहे हैं इसके मालिक का ड्राइवर रूम है. क्या हैंडसम लग रहे हो भाई. तुम तो बैंक में भी नौकरी कर सकते थे कहां फिल्मों में आ गए. ओह वाओ वाओ. कमेंट्स देखो आप बहन जी ये चश्मे वाले इंडिकेटर चलते भी हैं. और किसी चंदू जैसे लिखा पीछे वाली दीवार मैं 200 रुपए में पेंट कर दूंगा. इन कपड़ों पे कड़ी गिर जाए तो पता भी ना चले. Not bad, but some clever ones, huh? दर्जी ने एक तरफ की बाजू नहीं बनाई इसलिए आपका बैलेंस बिगड़ रहा है. आज के दिन पीला कपड़ा पहनने से सुख समृद्धि मिलेगी. पीले गुड़ का दान करें शीघ्र विवाह का योग बनेगा. लो जी. ओहो वाओ अंडर वाटर. वाओ चेक ऑन योरसेल्फ. पानी के अंदर पंक्चर चेक करता हुआ आदमी. पंक्चर के स्पेलिंग देखो. पिंचर क्या पिंचर ही होगा ना. कच्चा नींबू रंग का है ऊपर से पानी. नींबू पानी का असली मजा तो आप ले रहे हो. ओह गॉड. आपको करण जौहर ने लॉन्च किया है या बाबा रामदेव ने. बाहर आते हुए दो पॉम्फ्रेट ले आना.
Wow, what a creative comment. और भी है? आप आम की पेटी में से निकले? मैंगो फालूदा लग रही हो। ये ड्रेस डिजाइनर ने बनाई है या चूहे ने? सॉरी। इस ड्रेस को उबाल के आप नूडल भी बना सकते हैं। वाओ, ये सब बकवास कर रहे हैं, मेरी सुनो, बहुत सुंदर लग रही हो, आई लव यू। वाह भी, ये मेरे स्कूल से पढ़ा लगता है। मैं जब भी आपका नाम लेने की कोशिश करता हूँ तो मेरे मुंह से कराया या फिर किराना क्यों निकल जाता है। नीचे किसी ने रिप्लाई भी किया है, तेरी सोच ही गरीब है। अच्छा नीचे पता है आपको फैंस एक दूसरे के साथ लड़ते भी हैं, कोई गलत कमेंट करे तो लेट्स हैंग आउट। लो जी भाई, तो बिल्कुल चमगादड़ लग रहे। पक्की आज सस्ती वाली पी होगी। ये करने के बाद भगवान मिले क्या? लो जी, बेल्ट में से कुत्ता कहाँ भाग गया? ये क्या यार? अच्छा नीचे रिप्लाई किया किसने? तू है ना, बता कहाँ भागा है? और देखो अक्षय कुमार ने आपकी बेल बॉटम पहनी है। नाइस। पर बहुत अच्छी पिक्चर है क्या रहा है? आप नंगे पैर हो या जूते पहने हैं? नीचे लिखा क्यों तुझे खाने हॉर्सिंग अराउंड इन लखनऊ। ये घोड़ा है या घोड़ी? ये पकवान सिद्धार्थ चिपक के खड़े हैं, घोड़ी ही होगी फिटे। ये घोड़ी पान मसाला खाती है क्या? ओहो अरे यार, लो जी। This is too much. जिराफ को क्या पता तुम कौन हो, कभी हमारे ग्राउंड में आओ। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कियारा ने। ये कोई सोफिस्टिकेटेड आदमी है। मैम आप क्या लाल कृष्ण अडवाणी की रिश्तेदार? बड़ा सीरियसली पूछा है। That's it. Beautiful. अर्चना पुरन सिंह, क्या कमाल की भूखसूरत लग रही हैं आप? अरे थैंक यू दामोदर, थैंक यू। बहुत भूखसूरत लग रही हैं। भूखसूरत नहीं, खूबसूरत होता है। होता है जब होता है तो बोल दूंगा, अभी ऐसे कैसे मजाक कर रहा हूँ। यू आर गॉर्जियस यार, यू आर गॉर्जियस। अरे यार शर्मा एक काम करना, अपना ये ओटीटी का जरा पासवर्ड मुझे दे देना। क्यों? क्या वो शेरशाह फिल्म है ना, मैं वो देखना चाहता हूँ। नहीं हालांकि मैं ये फिल्म पहले देख चुका हूँ, लेकिन ये फिल्म में कियारा जो प्यारी लगी है। अच्छा? जो प्यारी लगी है, मैं फिर से देखना चाहूंगा 10-12 बार इस फिल्म को। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने वो बैठी हुई है, इतना जहन में। वकील साहब वो सच में बैठे हुए हैं, कियारा और सिद्धार्थ यहीं पे हैं। नो नो नो, आर यू सीरियस? यस यस यस, यहीं पे आप इधर। मेरा सच में मन कर रहा है यहाँ से कूद के दौड़ के आ जाऊं, लेकिन पिछली बार मैं यहाँ से कूदा था तो बाउंस होके ऊपर के फ्लोर पे चला गया। तो कूदना अवॉइड करते मैं सीढ़ियों से आता हूँ, और अगर मैं सीढ़ियों में नहीं फंसा तो आधे मिनट में पहुंच रहा हूँ। उसके बिना नहीं जाने दूंगा ये। ऑटोग्राफ देते नहीं है, लेते हैं।
यार मेहमान आते हैं तो मेहमान से लेते नहीं है, मेहमान को देते हैं। कहाँ से सीखा है आपने ये? बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठा जाता तू। मैं आई एम लॉयर दामोदर जेठ मलानी नाम है मेरा। मैं आपके लिए एक स्टे रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। स्टे ऑर्डर होता है? नहीं, ऑर्डर होता है, पर इतने बड़े लोग हैं, मैं ऑर्डर कैसे दे दूँ? तो मैं स्टे रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। रिक्वेस्ट ये है, ऑलवेज स्टे हियर, नेवर गो। काम की बात कोई नहीं आती। बातें करने वाला आदमी हूँ नहीं मैं, I'm a man of action. आपने कहावत तो सुनी होगी, the action the louder speak words, words the louder speak the action, action are the louder speaking words, words of the action speak. क्या यार, action speaks louder than words. एक तो हेडफोन निकालो यहाँ से आप। यार मेरा एक्शन, मेरे वर्ड्स, आप बीच में क्यों स्पीक रहे हैं? अच्छा, तो आपका नाड़ा भूल गया आप शायद। इट्स माय स्टाइल। ओहो, स्टाइल, स्वैग, यू कैन से स्वैग। बड़े नाड़ा खुला ही है इसमें, नॉट तो है नहीं। हाँ। तो ये ऊपर कैसे रहती है? नाड़ा पाने की जरूरत नहीं है, जितना मर्जी खुला पजामा, इनको टाइट ही आता है। नॉट रिक्वायर्ड। यार you do one thing, I've got something for you. Okay. ये आप मेरे घर की चाबियां रखिए। Oh good God. उनको क्यों दे रहे हैं आप? मैं आपसे रखिए। क्यों? इनके साथ गलत हुआ है। क्यों? It's wrong. What? नहीं, मैंने देखा ये दिलजीत दोसांझ जो है आपसे कह रहे हैं कि दिला दूं तुझे घर चंडीगढ़ में। दिलाया? नहीं दिलाया ना। अक्षय कुमार है, इनसे कहते हैं कि दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा। दिलाया? नहीं दिलाया। नहीं, वो अच्छा है, वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, पर मेरा भरोसा उनसे सुबह 3 बजे ही उठ गया था। और ये जो आप बोल रहे हैं, ये बात अगर अक्षय पाजी को पता चली तो? मैं लड़ता नहीं हूँ। उनके पास ब्लैक बेल्ट है तो मेरे पास ब्लैक कोट है। और आप मुझे ऐसे डरा रहे हैं जैसे आज से पहले मैंने कभी किसी से मार नहीं खाई। हम ओके Sidharth, what is happening is कितनी बार कहा एक बंदा रख लो जो आपकी टांग उठा के टांग पे रख दिया करे। बैठो आराम से, आराम से बैठते भी नहीं आप। आपको गुदगुदी होती है? सिद्धार्थ आपसे जरा सी हेल्प चाहिए। जी, गर्दन नहीं मुड़ रही ना, एक सेकंड। चलिए चलिए हम अपने इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो क्यारा, मैं ये पूछ रहा था, मेरे को डॉक्टर ने बोला थोड़ी चेयर अपनी ऊंची रखो तो बैक के लिए ठीक रहती है। आप यहाँ पे ऐसे गद्दी क्यों नहीं आ जाते? गद्दी, एक मिनट, लेट मी जस्ट पुट दिस राइट। आई एम फाइन। अगर आप ये बनियान ना बनवाते, कोई गरीब साड़ी बनवा लेता इसकी। इतना कपड़ा है। लेते हैं आप। अजीब आदमी है यार, पीछे ही पड़े रहते हैं। वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब, वकील को देख रही हूँ, जो तुम्हें जज कर रहे हैं उनको तो देख नहीं रही। यार तुम्हें पता है कि मैं इससे ज्यादा घूम नहीं पाऊंगा, तो पीछे क्यों खड़ी हो, आगे आ जाओ ना। आप जैसे लोग मुझे आगे आने कहाँ देते हैं? यार अब मैं घूमाऊं कहाँ गई तुम? मैं यहाँ हूँ। ओह मैजिक, अरे बाप रे, ओहो आ गई। हाँ आ गई। हाय 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 सिद्धार्थ, हाय कियारा, आपका फिल्म के लिए बहुत बधाइयाँ। बधाइयाँ लेकर आई हो और क्या, सेवइयाँ लाके आए वो? अरे मेहमान आए, चाय लेकर आती यार। चाय क्या, हम कॉफी पे चलते हैं। यार ये आप, मुझे तो कभी नहीं था कि कॉफी पे चलते हैं। आप कॉफी पे नहीं, ट्रेडमिल पे चलो। वाह, ओ सुपर। ओ गोवा की शशि थरूर। यार तुम मेरी असिस्टेंट होके मुझे तो जुबान लड़ाती हो।
तो क्या जुबान लड़ाने के लिए एक और असिस्टेंट रख लूँ क्या? Listen, just ignore them. हम लंच पे चलते हैं? जी आपका फ्री हो रही है। तुम लंच पे चलती हो, कॉफी पे चलती हो, थोड़ा शो में भी चलो। इनकी बात मत मान लो हाँ। मुझे आपको एक चीज बताना चाहिए। I think you're the hottest guy in the industry. Yeah. So sweet. Thank you. This is pure chaplusi. pure chaplusi. मुझे तो आज तक कभी नहीं कहा कि I am the hottest guy. यार वकालत तुम हमसे सीख रही हो और किसी और के प्यार में भीग रही हो। ऐसे ना हमें तरसाइए, थोड़ा प्यार हम पे भी तो बरसाइए। मेरा और सिद्धार्थ का आपसी मामला है, आप बीच में मत आइए, बस हमको आशीर्वाद कर दो और बाप का फर्जा निभाइए। वाह जवाब दे, बाप पे मत जाना। बाप पे मत जाना। हाँ बाप पे ये खुद नहीं गए। जाना है तो अंदर जाना, गो। नहीं, जा जा जा। नहीं मुझे अंदर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि मैं सिद्धार्थ के साथ एक रोमांटिक डांस करना चाहती हूँ। अरे तो गलत बात हो गई ना, सिद्धार्थ के साथ रोमांटिक डांस मैं भी करना चाहता हूँ। आप क्यों करना चाहते हैं सिद्धार्थ के साथ रोमांटिक डांस? एक्चुअली कियारा के साथ करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था शायद ये मानेंगी नहीं। चलिए बस हो गया, मैं चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिद्धार्थ, शेरशाह में जो शेरशाह आपका नाम है वो कोड नेम होता है जी, रियल लाइफ में आपने कभी कोई कोड नेम रखा है? नॉर्मली हम लोग कभी रख लेते ना स्कूल कॉलेज में, टीचर के या बंदा जिस किससे चिढ़ता हो उसका अलग से रख लेता है कि सर दर्द या ऐसा, कभी आपने रखा कोई ऐसा नाम कोड नेम? हाँ नहीं यार, रियल लाइफ में तो नहीं, पेट नेम्स होते थे बहुत सारे। अच्छा, मेरे एक्चुअली एक दोस्त है जो उसका पेट नेम मेरा बेस्ट फ्रेंड है, काजू है, और उसकी बहन का नाम किशमिश है। रियली? पेट नेम्स हैं दोनों के, काजू और किशमिश। हाँ, अच्छा सो क्यूट। आपका उन्होंने भी कोई ना कोई रखा होगा? मेरा तो वो सिद्धि, सिद्धि, सिद्धू, सिड। अच्छा, यही है, सिंपल। सिद्धू ना बोलना, उनको डर लगता है। तो दोस्तों आप लोग ये जो मैं अभी बात कर रहा था कोड नेम, ये आप लोग भी अपना कोई किस्सा शेयर कर सकते हैं, अगर आपने कभी कोई कोड नेम यूज किया हो, उसका फायदा लिया हो या नुकसान हो गया हो। हाँ जी हेलो। उन्होंने किया। कैसे हैं आप? हाय कपिल सर, हेलो एवरीवन। हेलो, मेरा नाम मिनोरा है और मैं दिल्ली से आई हूँ। मिनोरा? या। अरे वाह, ये नाम दिल्ली वाला यूनिक है। थैंक यू। मिनोरा नाम का मतलब क्या होता है? चर्च में जब क्रिसमस वाले दिन प्रेयर होती है तो कैंडल होल्डर्स को मिनोरा कहते हैं। तो बाकी दिन फिर क्या करती हैं आप? अच्छा जी, बड़ा प्यारा नाम है। अभी भी आपकी शादी हुई है? नवंबर 2020। अच्छा जी, आपके हस्बैंड भी आए हैं? जी। अच्छा, नमस्कार जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपकी नई शादी की। हाँ, अभी एक साल तक तो एंजॉय करो, उसके बाद देखेंगे। जी तो सर, हमारा किस्सा ऐसा है कि हम लोग की लव मैरिज है। अच्छा, और 10 साल तक हम दोनों ने एक दूसरे को डेट किया। 10 साल डेट करने के बाद भी आपने उनसे शादी कर ली? तभी। तो जो आप लोग बात कर रहे हैं कोड नेम्स की जी, तो 7-7.5 साल तक हमको ऐसा करना पड़ा कि इनके घर वाले भी नहीं मानते थे, मेरे घर वाले भी नहीं मानते थे। अच्छा। तो मुझे अपने फोन में नाम सेव करने पड़ते थे लड़कियों के नाम से। अच्छा। ऐसे मैं कोड नेम्स रखती थी, कभी आरती रखती थी, कभी अर्चना। दाढ़ी वाली आरती। अच्छा। और ये हर 10-15 दिन में मुझे नाम चेंज करने पड़ते थे, बिकॉज मम्मी बार बार बोलती थी कि आरती बहुत फोन करती है, इसको इतना क्या काम पड़ता है तुझसे। तो ऐसे करते करते हम लोग ने 7-7.5 साल निकाले। अच्छा। और ये सेम चीज इनको भी करनी पड़ती थी। अच्छा। क्योंकि अच्छा, फैमिली इनके भी अलाउ नहीं करती थी। अच्छा। तो इनके भी फ्रेंड्स थे, कभी रिंकल का नाम आता था, कभी करण का नाम आता था। तो फाइनली हमने सरेंडर करा और मैंने अपने फोन में इनका नाम
साहिल के नाम से सेव कर दिया और इन्होंने अपने फोन में मिनोरा के नाम से सेव कर दिया। अच्छा जी। और हमने घर वालों को बोला कि अब जब शादी करेंगे तो एक दूसरे से करेंगे, अदरवाइज करने ही नहीं है। अच्छा। तो फाइनली 10 साल के बाद उन्होंने बोला कि अब मरो, जो मर्जी करो, और शादी करवा दी हमारी। तो 2020 में फाइनली आफ्टर कम्प्लीटिंग 10 साल हमारे अफेयर के हमने शादी कर ली। तो ये हमारे कोड नेम ऐसे इतने साल चले। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए, बड़ी मजेदार स्टोरी आपकी। और कोई हमारे दोस्त अपना किस्सा शेयर करना चाहते हैं? जी मैम। गुड इवनिंग कपिल, आई एम डॉक्टर रीमा। हेलो डॉक्टर, वेलकम। थैंक यू। एंड माय पापा हैज गॉट मी एक्चुअली हियर, ही इज फ्रॉम दिल्ली। वेलकम वेलकम, नमस्कार। मेरे को एक बात है डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर बनना इतना मुश्किल क्यों होता है? मैं एक्चुअली एजुकेशन वाली डॉक्टर हूँ कपिल, तो एजुकेशन वाली डॉक्टर। अच्छा, वो पीएचडी करके वो वाला? हाँ, वो भी बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। डॉक्टर कोई भी बनना हो बड़ा मुश्किल है। नहीं, मुझे ये बताइए डॉक्टर की पढ़ाई इंग्लिश में क्यों कराते हैं? अगर पंजाबी में पढ़ाया होता तो मैं भी डॉक्टर होता। मेरे को ऐसा लगता है। पंजाबन ही हूँ मैं। अच्छा, आपने पीएचडी किसमें की बताओ तो सही। मैं पीएचडी वाले बंदे को कभी इतना करीब से नहीं देखा मैंने। हमारे सारे कोई 12वीं फेल, कोई 11वीं से भागा हुआ, यही सब है हमारा। बस पीएचडी मतलब किसमें की आपने? मेरी पीएचडी जो है पहली वाली वुमेन एम्पावरमेंट में है। वाओ, वुमेन एम्पावरमेंट पे वाओ। माय हस्बैंड एक्चुअली इंस्पायर्ड मी ऑलवेज टू स्टडी। आई हैव 3 मास्टर्स एंड आई हैव अ पीएचडी। अमेजिंग। मैं पीएचडी गाइड भी हूं, अगर आपको करने की इच्छा हो तो। मैं हमारी होती तो ये सब करते हम। पीएचडी हमसे नहीं, पीएचडी तो इतना पढ़ी लिखी, आप तो भगवान को भी जानती होंगी। जी। तो ये कोडिंग जो है ना, ये मैंने अपने टाइम पे तो नहीं की। अच्छा जी। तो ये बच्चे बहुत कोडिंग करते हैं। अच्छा जी। मतलब अगर क्लास में ये डिफॉल्ट हो गए हैं और मैंने इनको रोक लिया है, तो हम बताते हैं पेरेंट्स को कि बच्चा हमने रखा है काम कराने के लिए, होमवर्क असाइनमेंट जो भी है, डिफॉल्टर है, हम करा रहे हैं। जब भी वो टाइम होता है तो उनके फोन पे मम्मी का फोन आता है। अच्छा। मतलब हाँ, बार बार मम्मिया कॉल करती रहती हैं, कॉल करती रहती हैं। कितनी उम्र के बच्चे हैं ये? 17, 18, 19, मतलब सिद्धार्थ से थोड़े से छोटे। तो हाँ, मतलब रियली तो मुझे बाद में पता लगा ये मम्मिया जो होती हैं उनकी गर्लफ्रेंड्स होती हैं, जो 3:30 के बाद स्कूल के बाद इतने शरारती बच्चों को पढ़ाती हैं आप। वो हाँ, वो भी मुझे दूसरे बच्चे ने बताया कि ये मम्मी नहीं है। ये कोडिंग जो है ना, मैंने बच्चों से सीखी है, मतलब क्रिएटिविटी बहुत होती है। तो दैट्स इट एंड थैंक यू। आई वुड लाइक टू से एंड थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आई विल कांग्रेचुलेट यू, यू डू एन अमेजिंग जॉब। ओके, द काइंड ऑफ वर्क व्हाट यू डू। ओके, नो आई एम टेलिंग यू, आई एम लाइक यू रियली इंस्पायर। इट इज वेरी टफ, मतलब बहुत डिफिकल्ट है हमेशा खुश रहना, स्माइल करना, सबको खुश रखना, और कभी कभी हम नहीं होते इतना खुश, पर तुम बहुत 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 अच्छा काम करते हो। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। ऑल द लव एंड प्रेयर्स टू यू एंड कांग्रेचुलेशन टू योर मॉम। ओके, आई एम लाइक शी इज जस्ट प्राउड ऑफ यू। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। थैंक यू, थैंक यू। एंड यू बोथ वर जस्ट टू गुड, ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपने भी सूट बड़ा अच्छा पहना है। थैंक यू। ये मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया है मुझे। अच्छा, शादीशुदा है आप? अरे हाँ, मेरा बेटा है। अच्छा, प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब आइए, आपकी बारी आनी बनती है। कैसे हैं आप? प्रभु। हाय कपिल। हेलो सर। हेलो। हाय अर्चना। हाय। हाय सिद्धार्थ और कियारा। आई एम चंद्रकांत मिश्रा फ्रॉम कल्याण। बहुत बहुत स्वागत। एजुकेशन फील्ड में काम करता हूँ, और जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे अच्छा तो बहुत ज्यादा पॉकेट मनी नहीं होती थी जेब में, सबका यही हाल। लेकिन जो हमारे दोस्त होते थे जो अपने गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में जाना चाहते थे या कैंटीन में जाना चाहते थे, हाँ जी, तो फिर ये बात होती थी कि उनके पास पैसा है कि नहीं, ये कैसे बात करे उसके गर्लफ्रेंड के सामने। तो अच्छा। हमने एक नाश्ता का शॉर्ट फॉर्म किया था NST। अच्छा। और उसको पूछा जाता था कि तेरे पास NST है कि नहीं। अच्छा, मतलब पैसे हैं। हाँ, पैसे है कि नहीं। अच्छा। तो गर्लफ्रेंड नहीं समझ सकती थी कि ये क्या कोड वर्ड है, तो कहता था नहीं है, तो मुंडी हिलाता था। तो हम दोस्त लोग धीरे से उसके जेब में पैसा डाल देते थे ताकि उसको दिक्कत ना आए। हाँ, so, स्वीट यार, क्या बात है। हमारा बड़े प्यारे so, दूसरों को सपोर्ट किया कि अपनी भी बनी आपकी कोई? नहीं नहीं, मेरे फ्रेंड लोगों को हम लोग करते थे, मेरी अरेंज मैरिज है। अच्छा, कितने शरीफ हैं आप। दोस्त की जेब में NST डालते रहे, अपना GST कटवा बैठे। कपिल जी आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ।
और मैं आपका आप 6 महीने बहुत मिस किया आपका शो और आप बहुत अमेजिंग हो और गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही लोगों को हंसाते रहे. थैंक यू मिश्रा जी, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया. अच्छा हमारे ना एक गांव के सरपंच हैं, जैसे कि आप सबको पता है हमारी क्रिएटिविटी के हिसाब से हमने ये गांव बनाया है. तो हमारे गांव के सरपंच हैं छेड़ू लाल जी, उनको मैंने बहुत बोला है कि कभी आप बीच चलते शो में नहीं आना, पर वो मानते नहीं है. उनके कुछ सवाल हैं, मैंने कहा चलो आप वीडियो कॉल पे आके कर लेना. सिद्धार्थ जी नमस्कार, जब मेरा आपसे सवाल था कि आप इतने हैंडसम हो तो फिर सिंगल से डबल होने में क्यों डरते हो? आपको खर्चा उठाने में डर लगता है कि आपके घर में डबल बेड नहीं है? क्यारा जी आप बड़ी खूबसूरत है, नहीं कसम से मैं झूठ नहीं बोलता. अच्छा मेरे को आपसे ये जानना था कि जब आप कभी बैंक से लोन लेती हैं तो वो लोन पे इंटरेस्ट लेते हैं कि आप में इंटरेस्ट लेते हैं? अच्छा सिद्धार्थ जी आप पहले फिल्म तैयारी में आर्मी मैन बने थे? तैयारी नहीं अयारी. तू चुप रहे. तो आप उसके बाद शेरशाह में भी आर्मी अफसर बने, तो इसके लिए आपको ऑडिशन देना पड़ा या ये रोल इसलिए मिल गया कि आपके पास पहले से यूनिफॉर्म थी? अच्छा ग्यारह जी आपकी तो अम्बानी जी से डायरेक्ट जान पहचान है, तो जब आप उनकी कंपनी का फोन लेती हैं तो मतलब आपको भी आधार कार्ड देना पड़ता है कि आप विजिटिंग कार्ड से काम चला लेती हैं? और एक सवाल दादी, मैंने आपका अंडरवाटर वो फोटोशूट देखा, मेरी आंखें खुल गई. अच्छा मेरे को ये बात जाननी थी कि ऐसे जो फोटो होते हैं ये डब्बू रतरानी खींचता है कि डुबकी रतरानी? मैं सिद्धार्थ से एक सवाल पूछना चाहता था. सिद्धार्थ जैसे आप बड़े अच्छे स्कूल से पढ़े हैं, डॉन बॉस्को, नाम लेने में 3 मिनट लग जाते हैं, डॉन बॉस्को. तो जैसे हमारे जैसे स्कूलों में हम पढ़े हैं, हम कुछ होमवर्क नहीं करके जाते तो हमें मुर्गा बनाते थे. तो आपके तो महंगे स्कूल, आपको क्या बनाते थे, पेंगुइन? बिल्कुल मुर्गे बने हम. हाँ मुर्गे बने हम, सेम एक्सरसाइज होती थी मेरी, थाइस का राज वही है. अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी का राज, फ्लेक्सिबिलिटी का राज बचपन में कि मुर्गे बने हम कॉलेज में, डॉन बॉस्को हो या नेवल पब्लिक हो दिल्ली का. तो क्या रहा, आप लड़कियों के स्कूल में पढ़ी हैं, कोएड में पढ़ी हैं? कोएड में पढ़ी. कोएड में पढ़ी हैं. मैंने देखा वैसे क्यारा जैसी क्लासमेट हो ना तो कोई भी मिस ना करे क्लास. नहीं बंदा जानबूझ के पढ़ेगा कि अगर कहीं हम फेल हो गए ये तो आगे बढ़ जाएगी. तो मेहनत करो. बिल्कुल. और ये उन गुड स्टूडेंट में से लगती हैं कि प्रीफेक्ट प्रीफेक्ट बहुत पढ़ी लिखी है. हाँ क्यारा वैसे आप कितना पढ़ी लिखी हैं? मास मीडिया में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया. जो भी आपने किया अच्छा ही किया है. तो दोस्तों हमारे बीच फिल्म शेरशाह के डायरेक्टर भी मौजूद हैं, वक्त है उन्हें स्टेज पे बुलाने का. प्लीज वेलकम मिस्टर विष्णु वर्धन. ओह विष्णु सर वेलकम टू आवर शो. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. आप इस फिल्म के डायरेक्टर, किस फिल्म के कोच हैं? मैं वाओ क्या बात है यार. थैंक यू, थैंक यू. बहुत बहुत स्वागत है आपका. विष्णु सर यू आर फ्रॉम चेन्नई? आई एम फ्रॉम चेन्नई. यू स्पीक हिंदी? थोड़ा थोड़ा आता है. थोड़ा थोड़ा. सेम हेयर, इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा. चलिए. यू वॉन्ट थोड़ा थोड़ा? नहीं. लिटिल लिटिल इंग्लिश? You want to have some English with tea? नहीं सर छोड़िए सर, मैं तमिल में ही बात कर लूँगा मैं. न्यूट्रल हो जाएगा. विष्णु सर कैसा एक्सपीरियंस था? How was your experience working with Siddharth and Kiara? Oh, I think we all had an amazing experience. It's not just for saying it, but generally we had fun making the film. I think that I should say, you know, because we were all very clear. क्या करना है ना हमको सबको पता था. It was quite tough on everyday basis filming on that altitude वहाँ पे ना. It was low oxygen sub, but we had a lot of fun, you know. I think that's where everything works, when you have a lot of fun when you're yeah, working. That's actually true. Work yeah. with pleasure, not with pressure. Right. Yeah. No, absolutely. What a man, Vishnu Vardhan. Debut kiya Bollywood mein Shershah ke saath. Uske baad seedhi Kapil Sharma se mulaqat. Wow. Oh. Kitna proud feel ho raha hai aapko aaj. Oh, mujhe saamne se dekh. Mujhe maaf kar do sir. Honored. Honored. ओह अच्छा हमने एक किस्सा सुना था सिद्धार्थ जी, हमने सुना था कि ये फिल्म की स्क्रिप्ट आप करण सर के पास लेके गए थे जी. तो फिर विष्णु सर आपके पास इस फिल्म को डायरेक्शन करने का ऑफर कौन लेके आया? सर ये तो बहुत बड़ा कहानी है सर, ये तो हमारा राइटर संदीप श्रीवास्तव है ना. अच्छा तो वहां से शुरू हुआ था. अच्छा सो वी वर वर्किंग ऑन अनदर स्क्रिप्ट,
Okay. तो तब संदीप श्रीवास्तव ने कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में बात किया था. हम चेन्नई में बैठे थे हम तब. Okay. We were working on a Tamil film. तो I said, जो भी कर रहे पिक्चर है ना यार बहुत अच्छा होगा बिकॉज यू फेल्ट कहानी सुनते ही ना. So I said, it's going to be really great. So don't miss it. Just keep. बिकॉज तभी रिसर्च शुरू हुआ था. उसके बाद आई मेट शबीर बॉक्स वाला क्योंकि शबीर भाई पूछते थे अरे संदीप तू चेन्नई बाके बाके जा रहा क्या है उधर. सो आई एम गोइंग टू गो एंड मीट विष्णु. सो वापस मुलाकात हुई शबीर भाई से. देन वी मेट करण. देन वी मेट सिद. कहाँ से सर? डाउन साउथ से चेन्नई से आके. फ्रॉम हिमाचल कैप्टन विक्रम बत्रा सिद्धार्थ मल्होत्रा कियारा करण जौहर एंड वी ऑल मेड अ फिल्म. व्हाट अ फिल्म सर. थैंक यू. थैंक यू सो मच. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. विजय सर आप खुद इतने हैंडसम हैं और स्टाइलिश भी हैं. मैं पहली बार हमारे शो में कोई जॉगर्स में ही आ गया. मुझे एक्चुअली लगा कोई पीछे दौड़ लगा के यहाँ से निकल जाएगा. वाह ही इज द डायरेक्टर. आपने कभी फिल्मों में नहीं एक्टिंग की? किया ना सर. किया सर. लॉन्ग टाइम बैक. आपने पिक्चर देखी है मणि रत्नम सर की अंजलि? दिस इज ऑफिशियली बुलिंग. अंजलि हमारी प्यारी है. हाँ अंजलि कब आई थी? 97 नो नो इवन अर्लियर. पर उसमें तो लड़की लग रहे थे अंजलि तो. हाँ नहीं नहीं अरे अंजलि का नहीं सर. नहीं 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 वहाँ पे जो जो अंजलि की दोस्त हैं छोटे छोटे दोस्त हैं जो नन्हे बच्चे हैं उनमें से एक जूनियर बच्चा है जो ये कर रहा है. नहीं नहीं अच्छा परफॉर्मर. ही इज वन ऑफ द किड्स हु इज डांसिंग उसमें नाच रहे हैं अंजलि के साथ. बचपन से इन्होंने कैमरा फेस किया है और ये सेट पे भी बहुत बहुत ही बेहतरीन डांसर हैं. अरे अच्छा, अभी तो आपने इनका इनके मूवी देखे. आई हैव ओनली टू स्टेप्स. दीस टू स्टेप्स बोथ आर डन. एक मिनट मेरी फ्रेंड है वीडियो कॉल पे. ये देख मैं कैमरा घुमाते देख हीरो हीरोइन बैठे ले देख. हाँ ये हाँ इधर देख. नहीं नहीं क्रिकेटर नहीं डायरेक्टर है वो. हाँ एक काम करना सब लोग दिखाई नहीं दे रहे सोनी टीवी लगा. हाँ कप्पू हम लोग अभी सोनी टीवी पे आ रहे हैं ना. हाँ. अभी नहीं ये टीवी में बाद में आएगा. बाद में आएगा. हाँ तो इनको पहले काय को बुला लिया? अरे अरे आज शूट करेंगे बाद में दिखाएंगे ना. तू लोगों को बासी माल दिखाता है. अरे ये पहले शूट होगा फिर एडिट होगा ना. एडिट? हम लोग ऐसा क्या बोलते हैं अर्चना जी जो एडिट होगा इधर? ये जो तू बोले जा रही ना ये ही होता है बस. ये सारा एडिट होगा. ये एडिट होएगा? हाँ. ए नूतन फोन रख तेरी वजह से सब एडिट हो रहा है इधर मेरा. फोन रख. हाँ अर्चना जी. डर गई. नहीं डरी. खैर शेरशाह पिक्चर के तीनों सुपरस्टार लोग के लिए जोरदार ताली हो जाए. क्या काम के लिए मैं सच्ची बोलती है पूरा दुनिया में बोमा बोम हो गए. बहुत मजा आया इतना मस्त. मैं सच्ची बोलती और मैं एक बात बताऊं मेरे को ना मॉर्निंग से ऐसा फीलिंग था कप्पू. सुबह से मेरे को ऐसा एक औरत का रहता है ना अंदर से वो क्या बोलते हैं सिक्स सेंस है ना. हम लोग का रहता है और लेडीज लोग का. लेडीज हाँ मेरे को ऐसा सिक्स सेंस था कि ये लोग मेरे को आज मिलेंगे ही मिलेंगे. कैसे? क्योंकि कल रात को मेरे को मैसेज आ गया था कि शेरशाह की टीम आ रही है. फालतू बातें छोड़ अभी मेहमानों से कुछ बात बात कर. हाँ हाय मैं बहुत फैन हूँ. कैसी मैं हैं सच्ची बोलती बहुत अच्छी है मैं. कैसी आप? बहुत बढ़िया. मैं सच्ची में इनकी तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ. आलिया जी. आलिया नहीं कियारा. कियारा नाम है उनका. कौन कियारा है? कियारा कौन कियारा है? जो कह रहा है मेरे सामने आके कहो कौन कह रहा है क्या कह रहा है. जो भी कह रहे हैं मेरे सामने आके कहो. मैं डरती है क्या किसी से? अरे इनका नाम कह रहा है. नहीं इनका तो मैं जानती है कह रहे हैं. हाँ आई नो यू कह रहा नो. हाँ पहले इनका नाम आलिया था. आपने अपना नाम चेंज कर लिया ना क्यारा बोल के. मैं ये क्या बोल रही हूँ कप्पू मेरे को क्या हो गया? एक्चुअली क्या मेरा मानसिक संतुलन. जो आपके तीन निशान ये पैदाइशी है कि? नहीं नहीं दाढ़ी निकल रही है. और आधा घंटा बैठी रही ना. ये आपको तिल जो तीन तिल ये त्रिकोण सा बना हुआ है. दो घंटा बैठेंगे ना तिली तिल होंगे इधर काले काले. फिर कियारा जी मेरा ना थोड़ा मानसिक संतुलन खराब हो गया. मेरा पार्लर था ना इधर देखो. हाँ. इधर पहले आप आए थे ना. करेक्ट. पार्लर हट गया. मैं कुछ भी बोलती हूँ प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना है. लेकिन मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सिद्धार्थ रॉय जी. मैं वो सिद्धार्थ मल्होत्रा है. आपने भी अपना नाम चेंज कर लिया. अरे वो अलग है ये अलग है. क्या बात कर रहे किस बात पे अलग हुए आप लोग? सपना वो सिद्धार्थ रॉय कपूर है ये सिद्धार्थ मल्होत्रा है. क्या अलग अलग है?
अलग अलग आदमी लोग है वो। अरे लेकिन मैंने तो शेरशाह की सारी विशेष उनको भेज दी। हाँ और वो भी बहुत शाना आदमी है, बताया नहीं कि मैं रॉयल हूँ। मेरे को थैंक यू भेजा। इतनी गलत बात है, जो अच्छे एक्टिंग किया उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। आप टेंशन मत लो। आप ये रखो, ये सिद्धार्थ रॉय जी का कपूर है। उनको क्यों दे रही कपूर? अरे उन्होंने आपका विशेष रख लिया ना, आप उनका कपूर रखो। उनको फोन करके बोलना मेरा विशेष मेरे को वापस दो, तभी मैं कपूर दूंगा। कपूर के बिना कुछ नहीं है, वो टेंशन मत लेना। सपना कोई काम की बात करना। हाँ फालतू की बातें कर रही है। काम की बात? हाँ सर, मेरे को जाते 100 रुपीज देंगे आप? अरे 100 रुपीज? हाँ मेरे को चाहिए देना। हाँ मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। मेरे को पैसा बहुत अच्छा लगता है मेरे को अच्छा लगता है। और आपसे भी मेरे को काम तक किया ना, आप तो इतना मस्त हीरोइनी है, मस्त हीरोइनी का काम करते है। मेरे को अपना बॉय रख लो ना। अरे तू कैसे बॉय बन सकती है? ये देखो बोल कौन रहा है। मैं बॉय गर्ल सब बनती है, मेरे को पैसा मिलना चाहिए। हाँ अपनी अपनी EMI होती है, क्या करे। लेकिन मैं इनके बारे में एक चीज कहना चाहेगी, आपको मालूम है आपको डायरेक्टर के रूप में वरदान मिला हुआ है। विष्णु वर्धन जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो गया, क्या मस्त। यू साउथ इंडियन? साउथ எப்படி இருக்கீங்க, நல்லா இருக்கீங்களா? ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். சாப்பாடு கொடுங்க. சாப்பாடு வேணுமா? மேபி அப்படியே கொஞ்சம் சென்னை பக்கம் வந்துறீங்களா, அப்படியே கூட்டி போய் நல்லா சாப்பாடு கொடுங்க. இத்தனை நீ ஆதா மேருக்கு இத்தனை நீ ஆதா மேன் அப்ப மாலும் மே சவுத் மே தி. अच्छा आपने भी साउथ में काम किया है ना? हां मैंने भी साउथ में बहुत लफड़ा किया है। अरे क्या लफड़ा? अरे बहुत लफड़ा हुआ मालूम है, मैं उधर साउथ में गई ना अंकल, इतना प्रॉब्लम हो। अंकल 100 रुपीज देना है मेरे को। 100 रुपीज लो अंकल। 100 रुपीज मुझे अच्छा लगा। नहीं नहीं मैं वो साउथ में गई ना, उधर बहुत लफड़ा हुआ मेरे साथ में। क्या? मैं उन्होंने उधर ठेले पे गई, मेदू वड़ा खाया मैंने। अच्छा मैं मेदू वड़ा वाले को पैसा दिया ना, वो बोलता ये क्या नोट में होल है। मैं उसको बोली तेरी मेदू वड़ा में होल था, मैं कुछ बोली क्या? वो बाद में मेरे को बोलते है इधर लाएंगे टे मुनाडी सोले ले उंगल कंते रे लियो रेलम सुंदे ये माती रखेंगे। मैं बोली ठीक है, ये दोनों भी 2 प्लेट पैक कर दो। What does that mean? उसने basically गाली दी थी। अच्छा। You should have told this all this before, why aren't you telling? So he's telling pack that also. नहीं समझी नहीं मैं, मजा आया कि हाय। अच्छा मेरे को ना जब हीरो हीरोइन आते मेरे को बहुत अच्छा लगता है जी। मेरे को ना फिल्म लाइन का चुगली करने बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये क्यों तुझे चुगली देंगे भाई? आपको मालूम है सैफ अली खान है ना और करीना कपूर, उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। क्या क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? तैमूर। सच्ची में टीवी पे देखी थी, दोनों के बीच में तैमूर चल रहा था, उनको बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। 100 रुपीज हम बाद में, मजा आया क्योंकि इनको अच्छा लगता। आई लाइक यू ऑल्सो, वेरी नाइस। आपका मैं सोशल मीडिया पे बहुत देखती हूँ जी। हाँ आपका बहुत क्यूट सा डॉगी है ना जी। क्या नाम है उसका? ऑस्कर। अरे कितने इंटेलिजेंट एक्टर है देखो। हर एक्टर ऑस्कर का वेट करता है। ये पहले एक्टर है जिनका ऑस्कर वेट कर रहा होता है घर पे। लेकिन दिल से एक बात बोलूं, शेरशाह में जो काम किए ले ना, जितने अवार्ड है इस साल के दोनों को ही मिलेंगे, इतना अच्छा काम किए ले। अच्छा आपको पेट लोग का बहुत शौक है ना, आपको भी यू लाइक पेट? मेरे पास भी पेट है। अच्छा क्या है? मैं दिखाऊं? हाँ बुलाती हूँ मैं, इधर आ जा, मेरा पेट है इधर आ जा। देख उधर देख, सब लोग आए ले सबसे पहले। ये क्या कर रही है? ये पेट है ना, पेट पूजा कर रही है मैं। ए इतने बड़े बड़े लाग, उधर हेलो बोल। ये तो भौंक रहा है। ये कैसा हाँ शेर है? वो पता क्या बोलते ना कि हर गली में कुत्ता शेर होता है, तो शेर दूसरी गली में जाए तो कुत्ता हो जाता है ये। Oh,
अच्छा नहीं नहीं ये पता क्या बोल रहे ले कि मेरे को कियारा जो है उसकी उंगली खानी है अरे क्यों तूने तो बोला था ये वेज है नहीं तो लेडी फिंगर मांग रहे ना लेडी फिंगर तो वेज ही देते हैं ना नहीं ये बहुत इंटेलिजेंट है बहुत इसमें टैलेंट है सर इसका अच्छा? टैलेंट देखें अरे इतना टैलेंटेड अपना टैलेंट दिखा चल ओ ये क्या खुजा रहा है ये स्टेज पे आने की सबको खुजली रहती है ना तो अपनी खुजली मिटा रहा है वो हाँ एक कर मेरे को नहीं उधर दिखा ना बोला था ना कैमरा इधर है हाँ, हाँ, अभी इनको करतब करके दिखा वाओ इतना इसने कुछ किया ही नहीं हाँ क्या किया इसने हाँ तो ये भी क्या करता है इधर ये भी क्या करता है तूने इसको रखेला है ना ये भी कुछ नहीं करता मैंने भी इसको रखेला है हाँ खैर चल चल बाबा जा इसका ना आज इंटरव्यू है, है? हाँ इसका इंटरव्यू कहाँ है शेयर मार्केट में वहां पर एक चीज का ध्यान रखना म्यूचुअल फंड इंवेस्टमेंट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क इज द फंड इन्वेस्टमेंट ओके लेकिन मैं आपको सच्ची बोलती है मैं आज आप लोगों जो टीवी पर भी देख रहे लेना एक चीज का ध्यान शेयर कभी आपको पकड़े हाँ. तो मैं आपको ट्रिक सिखाएगी क्या कि कैसे छुड़ाने का एक मिनट के अंदर कैसे ये बहुत बड़ा ट्रिक है सर सच्ची में अभी देखना ये शेयर है ना ए पकड़ मेरे को पकड़ एकदम टाइट पकड़ एक मिनट छोड़ ये देखा छुड़ा लिया ऐसे अरे अबे रुक रे चल तू जा तेरा हो गया ले चल कैसा लगा मेरे जाने के टाइम 100 rupees देना पीछे मेरे को मुझे पसंद टप्पू में चलती हूँ मसाज नहीं करेगी देखा इसको मसाज का कितना शौक है तूने मेरा पार्लर क्यों हटाया यहाँ से जब तू खुद ही बोलता है मसाज मसाज खैर आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया मैं आप लोगों को मसाज बताएगी सर आई हेड पार्लर हियर हाँ बिफोर नो दिस बॉय टोडिंग फाइव माई पार्लर बट आई हैव मसाज मेरे पास एक मसाज है घोर कलयुग मसाज घोर कलयुग मसाज हाँ इसमें क्या होता है इसमें क्या रहते हैं सर इसमें ना दो दोस्त रहते हैं सर ओके 8-10 साल वो लोग साथ में काम करते हैं अभी 8-10 साल में थोड़ा भाईचारा हो जाता है तो पहला वाला जो दोस्त रहता है वो दूसरे वाले दोस्त को भाई बना लेता है अच्छा लेकिन जो दूसरा वाला दोस्त रहता है वो पहले वाले दोस्त को बहन बना लेता है बहन बना लेता है अब पहला वाला क्या है बहन बन के चूड़िया पहन लेता है फिर एक पार्लर खोलता है फिर 2-3 साल तक सबको मसाज देता है अलग अलग टाइप का फिर क्या है जब नया सीजन आता है तो सारी चीजें वापस आ जाती है लेकिन पार्लर वापस नहीं आता है तो मेरे दूसरे दोस्त पता घोर कलयुग आया है कि नहीं आया है खैर मैं चलती है मेरा बहुत काम में रहता है वो सतीश शाह जी आया ना सतीश शाह एक्टर वो हमारे पास आए थे मसाज के लिए तो वो अपना वो छोड़ गए थे वो क्या नहीं 30 छोड़ गई थी सतीश नाम है ना उनका सतीश हाँ तो क्या हुआ सर उनको मैं इधर आधा मसाज दी एक टांग पे तो मेरा बिल हुआ 40 का तो उनके पास 40 नहीं था बोले है ही नहीं तो मैंने बोला 30 दे तो उनका स का 30 ले लिया मैंने तो अभी क्या स का फोन आता रहता मैं इसे पढ़ा हूँ आधा तो मेरे को आके मेरा 30 दो तो वो मैं देने के लिए जा रही थी ठीक है ठीक है मैं भी आपको पीछे पकड़े के 100 rupees है ओके बाय एक बार जोरदार तालियां सिद्धार्थ कियारा और डायरेक्टर साहब मिस्टर विष्णुवर्धन जी के लिए आइए सर आइए सर लवली विष्णु सर सिद्धार्थ कियारा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और बड़ा मजा आता है हमेशा जब भी आप आते हैं और शेरशाह के लिए तो आपको बहुत सारी बधाइयां हैं आपके आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और ऐसे आते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़